पूना हाउस में भर्ती हुए हरिंदर को नई रेजिमेंट पेपर आर्म भेजा गया। एक दिन पहले ही टैंक लेकर गया था, अगले ही दिन उसकी शहादत की खबर आ गई। 4 जून 2002 को पुंछ में हुए हमले में हरिंदर ने 3 आतंकियों को मार गिराया। इस फौलादी सिपाही के सामने किसी के आने की हिम्मत ना हुई तो कायरों ने पीछे से सिर पर वार किया। लहू लुहान होते हुए भी दुश्मनों को मौत के घाट उठाया उतारा। ऑपरेशन पराक्रम में 20 साल के हरिंदर ने अपने प्राणों की सर्वोच्च आहुति दी। वतन बचा रहे, हम रहे न रहे, आज उनकी बहन हमारे मध्य यहाँ पर मौजूद है। माँ आंखों में आंसू लाकर हमेशा कहती थी, हर जन्म में उसकी माँ बनूं। ऐसा वीर शहीद हरिंदर सिंह आज हमारे मध्य ना भी हो, मगर उसकी गाथाएं हम सबके सीनों में सदैव के लिए अंकित हो चली हैं। पूना हाउस में भर्ती हुए हरिंदर को नई रेजिमेंट पेपर आर्म भेजा गया। एक दिन पहले ही टैंक लेकर गया था, अगले ही दिन उसकी शहादत की खबर आ गई। 4 जून 2002 को पुंछ में हुए हमले में हरिंदर ने 3 आतंकियों को मार गिराया। इस फौलादी सिपाही के सामने किसी के आने की हिम्मत ना हुई तो कायरों ने पीछे से सिर पर वार किया। लहू लुहान होते हुए भी दुश्मनों को मौत के घाट उठाया उतारा। ऑपरेशन पराक्रम में 20 साल के हरिंदर ने अपने प्राणों की सर्वोच्च आहुति दी। वतन बचा रहे, हम रहे न रहे, आज उनकी बहन हमारे मध्य यहाँ पर मौजूद है। माँ आंखों में आंसू लाकर हमेशा कहती थी, हर जन्म में उसकी माँ बनूं। ऐसा वीर शहीद हरिंदर सिंह आज हमारे मध्य ना भी हो, मगर उसकी गाथाएं हम सबके सीनों में सदैव के लिए अंकित हो चली हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।